हेलो फ्रेंड्स, एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर वनपाल वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2022 से संबंधित एक महत्वपूर्ण अपडेट आया है। यहां पर देखिए, ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको अपडेट मिल जाएगा 6 फरवरी 2023 फॉरेस्टर 2020 शेड्यूल 4 फिजिकल मेजरमेंट एंड इफिशियंसी टेस्ट। तो फ्रेंड्स, फिजिकल के लिए अपडेट आ चुका है, इफिशियंसी टेस्ट के लिए अपडेट आ चुका है। तो पूरा अपडेट क्या है, इस पीडीएफ फाइल को ओपन करके आपको एक बार पूरा दिखा देता हूं, तो आप वीडियो को पूरा देखिए। तो फ्रेंड्स, ये रही ऑफिशियल अपडेट। यहां से देखिए 6 फरवरी 2023 राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, इधर देखिए वनपाल सीधी भर्ती परीक्षा 2020 पार्ट 2 13/60 कार्यालय आदेश वनपाल फॉरेस्टर सीधी भर्ती परीक्षा 2020। अब इसमें क्या अपडेट जारी किया है, तो इसे पूरा एक बार यहाँ से देख लीजिएगा। बोर्ड द्वारा वन विभाग राजस्थान के लिए राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा नियम 2015 तथा राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ मांतृक चतुर्श्रेणी सेवा भर्ती के अन्य शर्तें नियम 2014 के अंतर्गत वनपाल सीधी भर्ती परीक्षा 2020 में गैर अनुसूचित क्षेत्र के 100 एवं अनुसूचित क्षेत्र के 48 कुल 148 पदों पर भर्ती हेतु बोर्ड द्वारा दिनांक 11/11/2020 एवं संशोधित विज्ञप्ति दिनांक 11/3/2022 एवं 21/12/2022 को विज्ञप्ति जारी की गई थी। इस भर्ती परीक्षा का दिनांक 6/11/2022 को दो चरणों में आयोजित किया गया था। इस भर्ती का परीक्षा परिणाम दिनांक 22/12/2022 को जारी कर श्रेणीवार रिक्त पदों के 5 गुना अभ्यर्थियों को शारीरिक मापदंड एवं दक्षता परीक्षण के लिए सूचीबद्ध किया गया। इस प्रकार वनपाल के गैर अनुसूचित क्षेत्र के 100 पदों के विरुद्ध 500 एवं अनुसूचित क्षेत्र के 48 पदों के विरुद्ध 244 अभ्यर्थियों को शारीरिक मापदंड एवं दक्षता परीक्षण के लिए सूचीबद्ध किया गया था। तो फ्रेंड्स, ये तो आपके एग्जाम से रिलेटेड अपडेट है। अब नीचे देखिए क्या है, वनपाल के पद हेतु सूचीबद्ध अभ्यर्थियों की शारीरिक मापदंड एवं दक्षता परीक्षण का आयोजन वन विभाग द्वारा दिनांक 13 फरवरी 2023 से दिनांक 17 फरवरी 2023 तक संभाग स्तर पर करवाया जा रहा है। अतः वनपाल सीधी भर्ती परीक्षा 2020 में शारीरिक मापदंड एवं दक्षता परीक्षण हेतु सफल घोषित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे अपने रोल नंबर के साथ अंकित संभाग मुख्यालय में निर्धारित दिनांक समय एवं परीक्षा स्थल पर शारीरिक मापदंड एवं दक्षता परीक्षण हेतु आवश्यक रूप से उपस्थित होवें। इस परीक्षा में उपस्थित नहीं होने वाले अभ्यर्थियों को अलग से दोबारा शारीरिक मापदंड एवं दक्षता परीक्षण हेतु कोई अवसर नहीं दिया जाएगा। शारीरिक मापदंड एवं दक्षता परीक्षण हरिय क्वालिफिकेशन प्रकृति का है। इस परीक्षण में सफल नहीं होने वाले अभ्यर्थियों को वरीयता सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। इस परीक्षा में भाग नहीं लेने वाले अभ्यर्थियों की कैंडिडेचर निरस्त कर दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट अपडेट है, जो भी वन विभाग भर्ती परीक्षा 2020 वाले कैंडिडेट हैं। अब देखिए पूरा लिस्ट क्या है, तो आप नीचे जैसे स्क्रॉल करके चलेंगे तो आपको इसमें सब कुछ डिटेल मिल जाएगा। यहाँ पर क्रम संख्या, संभाग का नाम तो अजमेर संभाग में देखिए, निर्धारित तिथि एवं समय तो 14 फरवरी 2023 प्रातः 7 बजे। यहाँ पर स्थान देखिए कहाँ है, उप निरीक्षक समूह केंद्र वन केंद्रीय पुलिस बल कुंदन नगर के पास अजमेर। इधर देखिए निर्धारित समय तिथि क्या है इनका, 15/2/2023 8 बजे से इन वाले कैंडिडेट को बुलाया है। इनका यहाँ पर जो एड्रेस है यहाँ पर देख लीजिए। इसके बाद कौन कौन से कैंडिडेट हैं, तो ये जो भी रोल नंबर वाले कैंडिडेट हैं इनको इस डेट में जाना है। इसके बाद 15/2/2023 और 16/2/2023 को यहाँ पर कौन कौन से कैंडिडेट हैं, तो इसमें आप देख लीजिए। तो इस तरीके से जो भी सफल कैंडिडेट है सभी का इसमें लिस्ट जारी किया है और सभी को अलग अलग संभाग के आधार पर अलग अलग डेट और अलग अलग टाइम पर बुलाया गया है। अब देखिए क्या क्या आपको साथ में लेकर जाना है, तो प्रत्येक अभ्यर्थी का स्वयं का मूल आधार कार्ड एवं परीक्षा का प्रवेश पत्र की मूल प्रति लाना अनिवार्य है ताकि अभ्यर्थी का सत्यापन किया जा सके। पदचाल हेतु अभ्यर्थी के जूते आदि की व्यवस्था स्वयं के स्तर पर करनी होगी। पदचाल एवं शारीरिक मापतोल हेतु निर्धारित स्थान पर पहुंचने की व्यवस्था भी अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के स्तर खर्च पर करनी होगी। पदचाल परीक्षण हेतु निर्धारित समय पदचाल के प्रारंभ होने के पश्चात उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को पदचाल परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर नहीं दिया जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपके लिए अपडेट जारी किया है। तो जो भी इस भर्ती से संबंधित हैं सभी इस अपडेट को देख लीजिएगा। इससे रिलेटेड कोई और भी अपडेट आएगा तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दूंगा।